कि आप लोगों ने टाइटल देखा, मेरा थंबनेल भी देखा होगा और आपको कुछ आइडिया भी आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही था कि ये सब इतने जल्दी इतना मतलब हो जाएगा। सारे लोग मुझे बोलते कि स्ट्रगल नहीं है, आपने स्ट्रगल नहीं करा है। तो भाई और बहन, स्ट्रगल मैंने बहुत ज़्यादा करा है और रोई हूँ मैं। बहुत सारी रातें रोते रोते वक्त बिताई है और बहुत बहुत रातें खाना बिगड़ खाए बिताई है, लेकिन ये सब मेरे पेरेंट्स को। वेलकम टू माय चैनल, माय चैनल नेम इज़ इंडियन गर्ल इन जापान। और आज देखो कहाँ पर आ गई हूँ मैं, बाय वॉक। आज मैं व्लॉग बनाऊँगी, आप लोगों के साथ कुछ बातें करूँगी, कुछ बातें शेयर करनी है वो करूँगी और कहीं पे लेकर जा रही हूँ। ये मेरे घर के बैक साइड का जो है मतलब लोकेशन है, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। मैं कभी आप लोगों के साथ ये सब लोकेशन शेयर नहीं करा था, लेकिन अभी दिल कर रहा है और टाइम भी है नाउ डे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँ। तो चलो ये देखो, तो चलिए चलते। और आज आप लोगों के साथ एक स्पेशल वीडियो बनाकर शेयर करनी थी, तो उसी के लिए आ गई हूँ मैं। और अब जो है 5:50 हो रहा है एंड लंच वन सब हो के थोड़ी सी नींद वींद होकर आई हूँ बाहर, तो मैं शेयर करूँगी अभी आप लोगों के साथ एक स्पेशल वीडियो, देखते रहिएगा ठीक है। ये देखो जापान की गलियों में कहाँ घूम रहे हम, शाम का टाइम है, ये है इस तरह की गलियाँ। सुनसान गलियाँ है और आज है सैटरडे, तो लोग ज़्यादा बाहर नहीं है बिकॉज ऑफ द कोरोना। लोग सोच रहे घर बैठे आइसोलेशन करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, अच्छी बात है वो भी, लेकिन हाइजीन अगर आप करके चल रहे हो तो आपको कुछ नहीं होगा, हाइजीन आपको करना चाहिए। और मैं आपसे शायद से आप ये जगह को मेरी ब्लॉग्स में बहुत ज़्यादा देखोगे। चलो कहीं पर बैठ कर, काश गर्मा गर्मा काफ़ी होती मेरे साथ, कॉफ़ी लाया होता। खैर ये है बाहर, ये है यहाँ का व्यू, ये देखो रिवर बहुत अच्छा है हमको उस साइड पर। और यहाँ पर बैठने की जगह भी है, लेकिन ये जॉगिंग ट्रैक है, तो आप मुझे अपने ब्लॉग्स में मेरे को जब भी टाइम मिलता है तो मोस्टली यहाँ पर आती हूँ वॉक करने के लिए मॉर्निंग में। तो आप देखोगे तो शॉक मत हो जाएगा कि यहाँ पे क्या कर दिया अकेले एंड ऑफ, तो ये ऐसी जगह है। सनसेट भी हो चुका है अपनी जगह पर, सन जा चुका है ब्यूटी मोड। मुझे ये प्लेस बहुत पसंद है, ये घर के मेरे थोड़ी सी लाइक 8 या 9 मिनट डिस्टेंस पर ही है। तो दिस इज वो इट लुक्स लाइक और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से आप देखोगे तो मैं बैक साइड वहाँ से आई हूँ और वहाँ पर देखोगे तो वहाँ से आई हूँ। तो नीचे चलते हैं, बैठते हैं और आपसे बहुत सारी बातें करते हैं। तो ये है वो जगह लाइक निशी खसाई एरिया, दिस इज़ कॉल्ड एदोकावा रिवर। एदोकावा का रिवर है ये और इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, पता चला मेरा फ़ोन गिर जा रहा है नीचे। तो ये वो एरिया है, वहाँ पे फ़िशिंग करते हैं लोग और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप देख सकते हो, कंपनीज हैं वहाँ पर और इस तरह का ये वेदर है। कि मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा बातें करनी थी, लाइक
मैं वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ अभी लाइक कुछ एक हफ्ते से वीडियोस पोस्ट हो रहे हैं, तो लोग मुझे बोल रहे हैं कि कितने दिन के बाद ट्रेन कहाँ पर और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और ठंड है इसलिए थोड़ी सी मैंने जैकेट कैरी करी है, यही रीज़न है। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देखा, मेरा थंबनेल भी देखा होगा और आपको कुछ आइडिया भी आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। हाँ मेरा ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आई एम नो मोर स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ अभी। और मेरा जो है स्टूडेंट वीज़ा से वीज़ा जो है चेंज हो चुका है किसी और वीज़ा में, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, नया सब कुछ है। लाइक अप्रैल 1st से सब कुछ नया नया स्टार्ट हो चुका है मेरी लाइफ में, एवरीथिंग वॉज न्यू और न्यू वर्क है, न्यू कलीग्स है, एवरीथिंग सब 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 एटमॉस्फेयर न्यू है। तो उसी में एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है, थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है। तो बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो, आपका जॉब फील्ड क्या है, क्या है क्या नहीं, तो मैं उसके लिए एक कम्प्लीटली अलग से वीडियो बनाऊंगी। आज सिर्फ मैं आपको बताने आई हूँ कि हाँ मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, नो और स्टूडेंट, आई एम वर्किंग नाउ, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट जो होती है, फुल टाइम जॉब जो होती है, और खुदा की बदौलत से मेरी एक जॉब बहुत 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 अच्छी जगह पर लगी हुई है। और कंपनी में जो है मेरा वो बोलते हैं ना, आप जितना अच्छा काम करते हैं ना उसके मतलब खुदा भगवान आपको उसका डबल दे देता है। तो कहीं ना कहीं मेरे कहीं ना कहीं तो इसीलिए जाकर मुझे वो एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये सब एकदम नया, लाइक मैंने सोचा नहीं था कि ये सब इतने जल्दी इतना हो गया हो जाए। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि स्ट्रगल नहीं है, आपने स्ट्रगल नहीं करा है। तो भाई और बहन, स्ट्रगल मैंने बहुत ज़्यादा करा है और रोई हूँ मैं, बहुत सारी रातें रोते रोते वक्त बिताई है, बहुत बहुत रातें खाना बिगड़ खाए बिताई है, लेकिन ये सब मैंने पेरेंट्स को नहीं बताया था। तो ये सब हुआ है मेरे साथ भी। तो वही है, अगर आप स्ट्रगल करते हो तो स्ट्रगल ही आपको आगे लेकर जाता है, स्ट्रगल ही आपको एक अच्छी प्लेस पर लाकर खड़ा कर देता है। तो यस, नई जॉब है, सब कुछ नया है। जॉब कौन सी है, क्या कौन सी है, कैसा मिला, क्या मिला, मैं उसका कम्प्लीटली डिफरेंट वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए। तो बस अभी थोड़ा सा मैंने सोचा वक्त है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बहुत अच्छा नज़ारा भी। अभी तो आई थिंक रात होने आई है, आप लोगों को दिखेगा कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन नज़ारा अच्छा था तो सोचा चलो वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए। और इतना अच्छा लग रहा है और ये आसान नहीं था, ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट थी मेरे लिए कम्प्लीटली, क्योंकि जापनीज़ लैंग्वेज इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज। आप यहाँ पर इंग्लिश यूज़ करते हो लेकिन इतनी इंग्लिश नहीं यूज़ करते हो जितनी अदर फॉरेन कंट्रीज़ में होती हैं। तो यस, आपको यहाँ पर अगर एक अच्छी वेल मेंटेन जॉब चाहिए, अच्छी फील्ड में अच्छी सैलरी चाहिए, तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सैलरी तो 2 लाख दो निजुमन हिसाब से मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपके टैलेंट पर डिपेंड करता है और आप जिस कंपनी में अप्लाई करते उस कंपनी पर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छी कंपनी में अप्लाई कर रहे तो आपकी सैलरी जो है 3 लाख से स्टार्ट होती है। तो कोई भी बोलता है ना बिगिनर सैलरी होता है वो जो हाचीमांग निजुमन ही मिल जाता है, तो ऐसा नहीं कि मैं भी पहले ऐसी सोचती थी कि निजुमन तक मुझे मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। कंपनी अगर अच्छी रही ना तो आप अच्छा खासा पेमेंट जो है वो कंपनी से मिल सकता है आपको, ठीक है। तो वही है, ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करने जा रही हूँ। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, मैंने थोड़ा बहुत जो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है थोड़ी बहुत मैंने शेयर करी है, ज़्यादा नहीं, बिकॉज लोग मुझे DM कर रहे थे इंस्टा पर और बहुत सारे लोगों का मैं DM का रिप्लाई नहीं कर पाती बिकॉज टाइम नहीं है ना, और डे मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, और टाइम मिलता है तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ, डेफिनेटली कर देती हूँ। टाइम नहीं है और अकाउंट को मैंने प्राइवेट कर रखा है, क्योंकि पब्लिक अगर करती हूँ तो बहुत सारे मेरे क्या बोलते हैं जो मुझे प्यार करने वाले लोग हैं ना वो मेरे सब कुछ देख लेते हैं यार, लाइक मेरा जो भी मैं अपडेट करती हूँ इंस्टा पर वो सब कुछ वो लोग देख लेते हैं, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है उनको अपना पर्सनल लाइफ उनके साथ शेयर करना। और अच्छा है, मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। अनटिल देन गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस एंड टेक केयर योर सेल्फ, अच्छे रहो और कीप हेल्दी, स्टे हैप्पी। और चलो मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो से।